वेलकम टू माई चैनल लर्न विद प्रिथा। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आई एम श्योर आपका फेब का अटेम्प्ट अच्छा गया होगा। अगर थोड़ी सी कमी रह गई तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होनी। और अब आपको कमर कस लेनी है कि मार्च के अटेम्प्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो भाई बेस ये है कि आपको अपनी प्यारी इक्वेशन E=MC² यहाँ बेस लेकर चलना है। ई का मतलब है एफिशिएंसी, एम का मतलब है मेहनत, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ मेहनत। तो अगर आप एफिशिएंसी यानी ई को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी ऑफ मेहनत को तो उससे भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बेस पे आप मार्च की तैयारी करिए, मेहनत को बढ़ाइए और उसको कंसिस्टेंट रखिए। ये ना हो कि दो दिन तैयारी में लग गए, तीसरे दिन आपका मोरल डाउन हो गया और आपने मेहनत कम कर दी। एनीवेज, जो कोर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है ताकि मार्च में आपकी परसेंटाइल और रैंक और ऊपर जाए, तो उसमें आप, मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगता है दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। वन सेट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फेब में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, सेकंड सेट जिन्होंने कुछ पोर्शन ज़रूर छोड़ा होगा, जैसे 80% ही सिलेबस कवर किया होगा, 70% ही कवर करा होगा। फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने सेट के, अपने जो शिफ्ट का सेट था उसके बेसिस पे एनालिसिस करनी है कि कौन से टॉपिक्स उन्हें वीक लगे, कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, टॉपिक के क्वेश्चन करने में उन्हें चैलेंज आया। आपको अपने उन वीक चैप्टर्स, वीक टॉपिक्स को और स्ट्रांग करना है, और ये आपको करीब 9th मार्च 10th मार्च तक कंप्लीट कर लेना है। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा पोर्शन छोड़ रखा था, आपको कोशिश करनी है कि उसमें से भी आप काफ़ी पोर्शन कवर कर लीजिए, उसे तैयार कर लीजिए। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो एनालिसिस करी है एक्सपर्ट्स ने, जो फेब का पैटर्न आया था उसके हिसाब से बहुत सारे, जैसे मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे जो अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जितना ब्रॉड आपका कवरेज ऑफ टॉपिक और सिलेबस होगा उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। भाई आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको इक्वेशन पता है, तो आप इजीली अप्लाई करके उसे निकाल लेंगे। इसलिए अपनी कवरेज ऑफ टॉपिक को ब्रॉड करिए, अपने जो जितने टॉपिक हैं उनको जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को स्ट्रांग कर सकते हैं वो करिए। ये आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए। सेकेंड में आपको क्या करना है, जो एक और ऑब्जर्वेशन एक्सपर्ट्स ने करा वो ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत रेपिटिशन हुआ है। रेपिटेशन सिर्फ मेन के क्वेश्चंस का नहीं हुआ, रेपिटेशन एडवांस के भी कुछ जो लेस ट्रिकी मॉडरेट क्वेश्चंस थे, जो सिंगल सिलेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस थे, वो भी मेंस में आए हैं। तो आपको अब दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करना है, 9th-10th मार्च तक अपना स्टेप वन पूरा करने के बाद, ये करीब 13-14 सेट हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। क्या है ये सेट? एक तो 5 सेट वो हैं जो 5 बाकी शिफ्ट्स में आए थे, टोटल 6 शिफ्ट में जेई हुआ था फेब का, तो जो 5 बाकी हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आप पिछले ईयर्स के पेपर, लेट्स से 2010 से 2018, 2011 से 2018 के, ये आप जेई मेंस और एडवांस के जो सिंगल सिलेक्ट आंसर, जो लेस ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इन्हें तैयार कर लेंगे तो और बहुत चांस है कि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 13-14 सेट ऑफ क्वेश्चंस तो आपको फॉर श्योर सॉल्व करने ही हैं। इसके अलावा आप कुछ मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। आपको मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि आपको लास्ट के डेज में, लेट्स से 2 दिन या लास्ट का दिन, उस दिन आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अच्छा, तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जब ये 10th मार्च के बाद, जब ये आप सारे पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो साथ साथ आपको सुपर फास्ट जेट वाला रिवीजन भी करते चलना है, क्योंकि अभी 10th मार्च तक तो वीक पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाए हैं, जो नहीं कवर करा था उसे कवर करा है, लेकिन अब भाई आपको बाकी जो पहले अच्छा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसे रिवाइज भी तो करना है। अगर आपके पहले मान लीजिए 80 नंबर, 120 नंबर, 150 नंबर आ रहे थे, अब आप उसे डबल करना चाहते हैं या डेढ़ गुना करना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि ये फिक्स नंबर है भाई, आपकी पॉकेट में डाल दिए गए, अब आपको ये अर्न नहीं करने। नहीं भाई, अब दोबारा नया पेपर है, पूरी नई शुरुआत है, तो वो नंबर भी गेन करने के लिए आपको रिविजन तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपके बैंक अकाउंट में, नंबर के अकाउंट में जेई ने जमा कर लिया है और बोला कि भाई मार्च में जब आओगे तो ये आपको डिपॉजिटेड अमाउंट की तरह मिलेगा। नहीं, आपको
फिर से उसे अर्न करना पड़ेगा. इसलिए 10th मार्च के बाद पेपर्स भी सॉल्व करने हैं और ये सुपर रिविजन जो है साथ साथ जेट वाला जो रिविजन है ये भी आपके पास होना चाहिए और आपको करना है. टाइम कम है इसलिए मैंने जेट का रिविजन कहा. 10th के मार्च के बाद हार्डली बहुत कम समय रह जाएगा तो आपको ये जेट का रिविजन जरूर करना है. अच्छा ये सब तो करना ही है, ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट और आपके टेक्निकल एस्पेक्ट से बताया. इसके अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपनी सफलता को, अपनी अच्छी रैंक और परसेंटाइल को खुद अट्रैक्ट करना है. इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो जहां आप इतने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और मैथ्स में कॉन्सेप्ट, इक्वेशन और लॉस पढ़ते हो तो ये लॉ भी एक अपनी लाइफ में उतार लो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका मतलब है कि आप जो अचीव करना चाहते हो उसको आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना होगा. तो क्या करना है, हर सुबह कल से ही ये शुरू करना है. हर सुबह जब आप उठेंगे, आप शीशे के सामने खड़े होंगे, आपको शर्म आ रही है तो आप वॉशरूम में जाइए, वहां शीशे के सामने खड़े होइए और गर्व से, कॉन्फिडेंस से, पूरे प्राउड होकर बोलिए मार्च के जेई में तो मैं अपना जो भी आपका परसेंटाइल का गोल है, जो भी रैंक का गोल है वो लेकर आऊंगा. ये आपको रोज अपने आप से बोलना है. ये बोलकर आप यूनिवर्स से वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आपको वो दिलाएगी. भाई बच्चे कैसे करते हैं, बच्चों को टॉयज चाहिए होता है तो क्या कहते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, मामा मुझे चाहिए चाहिए, पापा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, क्या करते हैं, अंत में उन्हें मिल ही जाता है ना, तो वो खुद उसको अट्रैक्ट करते हैं. इतना ज़्यादा उसकी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं कि पेरेंट्स उनको लाकर वो टॉय दे देते हैं. तो आपको हर सुबह अपने लिए वो एनर्जी इतनी क्रिएट करनी है कि आपकी वो जो परसेंटाइल है, वो रैंक है, वो खुद ही अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाए. और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वेल प्रूवन बिहेवियरल लॉ है और इसके थ्रू आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. इसलिए अपने सारे फिजिक्स के लॉ, अपने सारे मैथ्स के फॉर्मूलेज, अपने सारे केमिस्ट्री के इक्वेशन सब कुछ पढ़िए, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मत भूलिएगा. चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जाए. विशिंग यू All the best, stay healthy, stay happy, take care, remain calm and do your best.